ऊर्जा वहां है तो मारिएगा। नहीं मारने की बात नहीं है, आप क्या कर रहे हैं युवा है, धमकी दीजिए। धमकी नहीं, काय काय कुछ भी नहीं कर सकते, धमकी क्यों दे रहे हैं? युवा होने का मतलब धमकी दे दीजिए, आप बात नहीं है। आप युवा हैं तो युवा होने का मतलब नहीं, हम लोग बुजुर्गों का लल्ली दाब दीजिएगा, ये नहीं होगा। आप सुन लीजिए, आप जोर से बोलिएगा, आप बोलने दे दीजिए, ऐसे हमको बोलने नहीं दीजिएगा। नहीं नहीं सुनिए, जितनी तेज आवाज में, जितनी ऊंची आवाज में, जितने जोश के साथ अंजनी दा ने अपनी बातों को रखा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उतनी ही तेजी के साथ सीपीआई और भी नीचे चलती चली जाएगी। सब जगह बंद है, हाहाकार है टीका के लिए, टीका के लिए हाहाकार है। कल है ना, प्यारी सुनिए, दिलवाऊंगा अभी दिलवाऊंगा, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, टीका लेना है, मैं कह रहा हूँ, मैं मेरा फोन लगाऊ, टीका लेके आए। आज हमारी बीच बड़ी बहस पर चर्चा के लिए राजकुमार जी हैं बसपा से, और सीपीआईएम से हैं अंजनी कुमार जी, और साथ में बीजेपी से हैं अक्षय आर्या जी। और मैं कुमार सानू टीवी स्टूडियो में, और सोनी सिंह जो हमारे एंकर हैं, आप सभी का स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और हमारे बीच आज तीन पार्टी की और बड़ी बहस में, और सदन भी चालू हो गया है, और सदन हमारा सबसे पहला सवाल जाएगा बीजेपी की तरफ से जो अक्षय आर्या जी को है। सदन शस्त्र चालू है और वहाँ पे हंगामा हो रही है, जैसा कि देख रहे हैं कि हंगामा ज़्यादा हो रहा है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी और सबसे बड़ी मांग है कि एक फोन टैपिंग का जो मुद्दा उठ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? फोन टैपिंग का मुद्दा उठ रहा है, चाहे कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, आप पार्टी की तरफ से, इस पर आपका क्या कहना है? आज आपने जो भी बहस के लिए यहाँ बुलाया है, जिस परिचर्चा के लिए आपने बुलाया है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रिया देता हूँ आपको भी, डॉक्टर रोशन सर को भी, केवी स्टूडियो की पूरी तमाम टीम को। जैसा कि आपको पता है कि सदन चल रहा है, और कांग्रेस की मंशा कभी भी नहीं रही है कि सदन अच्छी तरीके से चले। इसके लिए कोई भी मुद्दा उठाकर भटकाना, डिस्टर्ब करना, सदन न चलने देना, नीतियों को पास नहीं करने देने के ख्याल से अनेक तरह के ये लोग कुछ से कुछ मुद्दे उठाते रहते हैं। और जिसका एक उदाहरण आपने फोन टैपिंग का मामला कहा, जो कि कांग्रेस कई वर्षों से करती आ रही है, और उसके लिए ये कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ती है। और ये मुद्दा कांग्रेस का उठाया हुआ है, ये कांग्रेस ही जाने। रही बात, आप कह रहे हैं कि वो हमेशा ये करते हैं, लेकिन कांग्रेस तो सरकार में बहुत दिन ज़्यादा रही है, और आप तो हाल ही में 7 साल पे आए हैं, तो आपने भी तो विपक्ष में रह के हल्ला किया था, बहुत सारे मुद्दे किया था। हाँ, अब इस चीज़ पर अगर आप आते हैं कि आपने विपक्ष में रहकर बहुत सारी चीज़ों पर हल्ला किया था, बहुत सारे मुद्दों पर आपने, तो हमने जिन जिन मुद्दों पर हल्ला किया, हमने जिन जिन मुद्दों पर बात अपनी बातों को रखा, उन मुद्दों को, उन बातों को एक एक करके हम लोग उसका हल और समाधान निकालते आ रहे हैं, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, उन मुद्दों पर, उन मामलों पर हम लोग निष्कर्ष निकालते आ रहे हैं। दूसरी बात, जो महंगाई की बात और जो अन्य मुद्दों की बात कही है, उस पर भी मैं इस चर्चा में अपनी बात को रखूँगा। मैं तो बिल्कुल इनकी बातों को निराधार और एक तरह से कहा जाए तो बकवास समझता हूँ। अब हाँ, तथ्य अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस, यद्यपि कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो उनको ये जवाब देने की जरूरत थी, अब चूँकि वो हैं नहीं, और इन्होंने उनको टारगेट करके कहा है, ये इनके दोनों का मसला हो सकता है। ये उन पर, हमको जहाँ तक याद है, या आम आदमी को भी जहाँ तक याद है, कि सदन में जो बहस आज या हंगामा खड़ा है, उसके विषय है, उसके विषय आज सदन के खड़ा होने से नहीं है, सदन स्टार्ट होने से नहीं है,
पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली के चौहद्दी को घेर करके बैठा हुआ है। किसानों के अपने मुद्दे हैं। किसानों ने 3 काला कृषि कानून वापस करने की मांग की है और सरकार अभी तक उससे बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा है, तो सदन में तो हंगामा होना चाहिए, इसलिए कि सदन किसका है? भारत का है, भारत की जनता का है। और भारत अगर कृषि प्रधान देश है, किसानों को माइनस कर दिया जाए तो हिंदुस्तान का कोई स्वरूप नहीं बचता है। और किसानों के भारत में किसान 7 महीने से धरने पर हों और सदन महफूज चले, ये भारत के लिए तौहीन की बात हो। एक सवाल मेरे मन में है और देखिए, ये नहीं, यहाँ मैं इसका जवाब दे दूंगा। इस मुद्दे पर एक बार और बहस केवी स्टूडियो में हो चुकी है, जिसमें सीपीआई से अनिल दा थे और राजद से मोहित जी थे जिलाध्यक्ष। किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, ये राकेश टिकैत का आंदोलन है। क्षमा करिएगा, आप किसानों की बात करते हैं तो बताइए बिहार में कौन से किसान आंदोलन पर हैं? झारखंड में कहाँ है, उड़ीसा में कहाँ है, महाराष्ट्र में कहाँ है, गुजरात में कहाँ है, पूरे देश में कहीं नहीं है। आप कुछ चुनिंदा किसानों को लेकर अगर आप ये कहते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो इस बात से कोई भी देश का नागरिक सहमत नहीं है। सभी जितने भी देश में किसान है, सब राकेश टिकैत है। आपका ये मानना है कि राकेश टिकैत सिर्फ राकेश टिकैत कुछ लोगों को लेकर के वो आंदोलन कर रहा है और कहीं कोई किसान आंदोलन नहीं है। और जहां तक इस मुद्दे की बात है, तो इस पर बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से मैंने अपनी बातों को रखा था कि कोई भी कानून काला कानून नहीं है, ना ही कंपनी किसी का जमीन हड़पने वाली है, ना ही मंडी समाप्त की जा रही है। इस पर विभिन्न तरह के जो भी तथ्य थे, उन तथ्यों को रखा जा चुका है। आप लोग आज जिस मुद्दे पर इस डिबेट को आप लोगों ने बुलाया है, मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग उसी मुद्दे पर डिबेट को सीमित रखें। मैंने चुके सवाल उठा, सदन चल रहा है। सवाल उठा कि सदन डिस्टर्ब क्यों है मीडिया में। नहीं, ये है ना, मीडिया में कल खराब खबर भी है कि जब भी सदन चलता है तो कांग्रेस या विपक्ष क्यों हल्ला करती है, जनता की वहाँ पे मांग हो रही है वहाँ नहीं। लेकिन क्या आप ये नहीं मानते कि जब आप भी विपक्ष में थे तो आप उस समय भी बहस करते थे, हल्ला करते थे उस समय? आज आपको और मीडिया को कुछ जो चुनिंदे मीडिया जो है आपके तरफ बोलती है, वो कह रही है कि नहीं, बहस में नहीं बोलना चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए, आप ऐसे बात से सहमत हैं? ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? आपसे भी कह रहे हैं, क्योंकि आप ही के पास देखिए, लोग कहते हैं कि नहीं, आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि कुछ मीडिया के लोग, तो आप तो सबसे पहले मीडिया पर उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में मीडिया की नहीं, देखिए शानू जी, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कांग्रेस के कितने सांसद हैं सदन में। कुछ 40 या 50 सांसद वहाँ अगर नीतियाँ बनाने में अवरोध पैदा कर रहे हैं, सवाल पूछने का। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा कि सदन शुरू है, आपके सवालों का स्वागत, आप सवाल करिए और हम उसका जवाब देंगे, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, आप सवाल पूछिए। लेकिन वहाँ हल्ला करना, हंगामा करना, सदन न चलने देना, ये कहीं से स्वीकार्य नहीं हो सकता है, किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं हो सकता है, और जो सत्ता में है उसके द्वारा कभी नहीं हो सकती है। आज जो सदन की स्थिति है, नैतिकता तो खत्म हो चुकी है, ये तो सही बात है कि नैतिकता खत्म हो गई। नेता जो है अब उदंडता के पूर्ण अपना व्यवहार करते हैं, वहाँ डेस्क बोर्ड तक पहुँच जाते हैं, कागज़ फाड़ देना, कुलपति से घींच लेना, ये बहुत ही निंदनीय, जो भारत की मर्यादा को धूमिल कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। सदन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती है, संविधानिक प्रक्रिया से चलती है, उस प्रक्रिया को अक्षय जो है कि पालन करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। और जहाँ तक हमारे आर्य जी ने कहा कि ये, मैं इनका भी दोष देता हूँ, जो आज सत्ता पार्टी है वो इस तरह के भावनात्मक बात बोलते हैं, डेस्क बोर्ड पे खड़ा होके वो पर्सनली डिबेट में चले जाते हैं। आज मैं सदन की कार्रवाई अगर आप देखते होंगे तो मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि फिर से आप देखिए और मेरे बातों को अमल करने की कोशिश करें कि अब जब डेस्क बोर्ड पर विपक्ष और पक्ष की बातें होती हैं, सवाल लोग करते हैं, तो सवाल का ना जवाब देते हुए सत्ता पक्ष उसके पर्सनल डिबेट पर चले जाते हैं, जिसके वजह से मामला गड़बड़ाता है। ये सुधार बीजेपी सत्ताधारी पार्टियों को भी करना होगा, क्योंकि वो जो है बोलते बोलते, जैसे सर ने कहा कि ये किसानों की
आंदोलन नहीं है राकेश टिकैत की, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता। आज जैसे इन्होंने बोला कि बिहार में क्या किसान नहीं है, बिहार में किसान है, लेकिन मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि भारत में 4-5 राज्य ऐसे हैं जो कृषि प्रधान देश माने जाते हैं, कृषि प्रधान राज्य माने जाते हैं, वहाँ सबसे अधिक उपज होता है, जिसमें पंजाब हरियाणा ये सब बहुत 2-4 राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक डिपेंडेड है। वहाँ के 90% लोग किसी न किसी रूप में खेती से जुड़े हुए हैं, और बिहार में ये नहीं है। बिहार में तो ये स्थिति है सरकार की, डबल इंजन सरकार की, कि एक पूरा करता है एक नहीं पूरा करता है, एक कहते हैं एक काटते हैं, एक सब्सिडी देते हैं दूसरा हटा देते हैं। आपने कहा कि राकेश टिकैत ही जो आंदोलन है उनका निजी आंदोलन, लेकिन महंगाई क्या मतलब निजी है कि मतलब महंगाई बढ़ते जा रही, पेट्रोल जो बता रही थी। इसमें इनका कहना है कि हमारी सरकार अगर आएगी तो महंगाई जो है घटा दी जाएगी। इनकी सरकार आने के बाद देखा जा रहा है कि महंगाई तो आसमान छू रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये सवाल मुझसे आप कर रहे हैं जी। आपने कहा कि सरकार जब आने वाली थी तो इन्होंने कहा था महंगाई, आपको पता होगा 2019 में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी, और उस समय ये किसी को नहीं पता था कि ये वैश्विक महामारी इस तरीके से देश में कोहराम मचाएगा, ये कोरोना। आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन जो है, जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड सप्लाई चेन पर निर्भर करता है, और अगर डिमांड सप्लाई चेन बाधित होगा तो निश्चित रूप से इकोनॉमी गड़बड़ाएगी, किसी भी देश की इकोनॉमी गड़बड़ाएगी। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये विश्व के अन्य देशों में भी ऐसी ही समस्याओं का सामना उनको भी करना पड़ रहा है। और जब लॉकडाउन हुआ लगातार 2 साल, 2 वर्ष लगातार अगर लॉकडाउन होता है, पूरा ठप हो जाता है हर चीज़, तो आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकती है। पूरी बात सुन लीजिए, और इस कोरोना के कारण जो सप्लाई और डिमांड, जब ये लॉकडाउन, अभी फिर लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से अब पटरी पर आ रही है, और जैसे जैसे ये अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से पटरी पर आएगी, धीरे धीरे इस महंगाई को भी कंट्रोल में कर लिया जाएगा। मुझे याद है कुछ वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हालांकि कांग्रेस से आपके प्रवक्ता आए नहीं, उन्होंने कहा था कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। आज मुफ्त में वैक्सीन दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया करवाया जा रहा है, ये पैसे आखिर कहां से आएंगे? सरकार के पास ये पैसे कहां से आएंगे? मुझे कहने दिया जाए, एक सेकंड, बिल्कुल नहीं कहें, तथ्य के रूप में किसी चीजों को देखने की जरूरत है। देखिए, महंगाई के सवाल पर हम एंकर सोनी जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने महंगाई जैसे उठाया और प्रश्न पूछा, एक स्वस्थ बहस की ओर हम लोग आगे बढ़े। महंगाई के सवाल पर सरकार जब आई थी, याद होगा टीवी हम लोग देखते थे कि प्याज के दाम बढ़ गए थे, तो बीजेपी ने प्याज को लेकर के सड़क पर आंदोलन किया था, माला 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 पहना है। हाँ, जब रसोई गैस के दाम बढ़े थे तो बीजेपी के कार्यकर्ता रसोई गैस को सड़क पर लेकर के धरने पर बैठे थे। पेट्रोल का दाम बढ़ा था 7 पैसा, हमें बीजेपी का वो दिन याद है, वाजपेयी जी पार्लियामेंट बैलगाड़ी से आए थे जी, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। और जब उनसे पूछा गया था कि आप बैलगाड़ी से क्यों पार्लियामेंट आए, तो उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल के दाम 7 पैसे सिर्फ बढ़े थे, इसलिए मैं उसके प्रतिकार में, प्रतिरोध में, प्रतिवाद करने के लिए मैं आया हूँ बैलगाड़ी से। अब ये आंदोलन का विभिन्न रूप था, होना चाहिए, जनतंत्र में स्वागत होना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये सरकार आई तो इनकी कुछ घोषणाएं थी, जनता की कुछ परेशानियां थी, जनता के कुछ सवाल थे, तो जनता के सामने सवाल थे, जलते हुए महंगाई बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, देश में आतंकवाद है, बेरोजगारी चरम पर है, ये कई सवाल थे, जिन सवालों को लेकर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र
जनता के बीच कई प्रकार के नारे गढ़े और आए। उन्होंने कहा कि मैं महंगाई को लगाम लगा दूंगा, मैं भ्रष्टाचार को समूल नाश कर दूंगा, स्विस बैंक में जितना पैसा काला धन है मैं सभी को लेकर, जनता को इतना काला धन है कि प्रत्येक नागरिक को 15-15 लाख रुपया हिस्सा होगा। मैं क्रमशः सभी बिंदुओं को याद दिला देना चाहता हूँ। 15 लाख हिस्सा होगा, आतंकवाद का समूल नाश करने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने और महंगाई पर नियंत्रण के लिए और काला धन इन तमाम को नियंत्रित करने के लिए हम नोटबंदी लाएंगे। नोटबंदी लाए, अचानक रातों रात 12 बजे रात में नोट बंद कर दिया गया। आज जब रिजर्व बैंक ने हिसाब किया 99% से ज़्यादा जो नोट बंद किए गए वो वापस आ चुके, वो वापस चले गए, लेकिन कालाधन अगर हिसाब पूछा जाए कालाधन नहीं पकड़ा गया। इन्होंने कहा कि हम जो मुद्दे उठाते थे उन जरा सा वो मुद्दे उठाते थे तो हम उस मुद्दे को क्रमशः हल करते गए। मैं उन मुद्दों के बारे में पूछना चाहता हूँ कि कालाधन आज तक नहीं पकड़ा गया, एक भी कालाधन। आज स्विस बैंक में कई गुना ज्यादा कालाधन बढ़ गया, कई गुना ज्यादा बढ़ गया, और एक भी कालाधन का पैसा आया नहीं। नोटबंदी भी हो गई, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। 1000 में भ्रष्टाचार था हजारिया नोट में, तो अब 2000 नोट चल गया। 1000 में भ्रष्टाचार, इसलिए नोट करते जाए सारे सवाल। और 1000 में जब कालाधन था, भ्रष्टाचार, घूस देने में 10 नोट लगता था इसलिए बंद कर दिया गया। अब 2000 में घूस देना तो और आसान हो गया, भ्रष्टाचार बढ़ा है। अगर आप हिसाब कर लें, प्रखंड कार्यालय से लेकर के थाना चले जाएं, आज 1 FIR बिना पैसे का दर्ज नहीं होता है। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है बिहार की भी और पूरे देश में भी। ये स्थिति एक तरफ ऑनलाइन है, ऑनलाइन मुकदमा दर्ज करने की बात होती है। तो ये कहने का मतलब कि न काला धन आया न महंगाई रुका। अब महंगाई के बारे में पहले तो जो भी बात होती थी तो बीजेपी के लिए एक आसान जवाब था, कांग्रेस से पूछिए, 70 साल है, 70 साल है कांग्रेस, जो भी महंगाई क्यों नहीं रुकी। नोट करते जाएं, हमारा पहले खत्म होने दीजिए। हर एक बात पर ये कांग्रेस का नाम लेते थे, अब नया एक प्रकरण शुरू हो गया। अब महंगाई पर पूछिए, बेरोजगारी पर पूछिए, शिक्षा पर पूछिए, तो वो कहेंगे कोरोना आ गए। अब एगो फार्मूला आ गया बस, हाँ नहीं, अब इनका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कोरोना पर। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ने के लिए कोरोना जिम्मेदार। पेट्रोल डीजल एक मूल सबसे बड़ा रूट कॉज है अभी पेट्रोल और डीजल महंगाई के लिए। अगर पेट्रोल डीजल का दाम, उसका टैक्स जो 58% टैक्स है, 58% टैक्स अगर उसको कॉल ऑफ कर लिया जाए, सरकार वापस ले ले, उसको मिनिमाइज कर दे, महंगाई धराम से गिर जाएगी, बेहोश हो जाएगी महंगाई, महंगाई को कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, सब चीज सस्ता हो सकता है। लेकिन एक सेकंड प्लीज, देखिए इतने सारे सवालों का जब मेरे पास नोट करने के लिए कुछ है नहीं, इतने सारे सवालों का क्रमशः जवाब देना संभव नहीं हो पाएगा, तो कुछ कुछ सवालों का जवाब। हाँ ठीक है, पहले इतना का दे दीजिए। अंजनी सुनिए, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। अंजनी जी तो खैर बहुत वरिष्ठ हैं हमसे, कई वर्षों से सामाजिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है, और स्टूडियो में बैठ के डिबेट करने का सबसे जो इसका एक प्लस पॉइंट है वो जानते हैं क्या, कि लोग देखते हैं। और ये लोगों के विवेक पर छोड़ दीजिए कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं, मेरा इनका काम सवाल करना या जवाब देना है, और मेरा भी काम आपके सवालों का जवाब देना है। बाकी निर्णय जनता करेगी, जनता कर रही है, लोग सोच रहे हैं। और आपने कहा कि
कोरोना सिर्फ भारत के लिए पूरे विश्व के लिए है, और अगर आप पूरे विश्व की इकोनॉमी उठाकर देख लें, कई देशों की जहां की आबादी बहुत कम है और जहां डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, वहां की भी अर्थव्यवस्था टूट चुकी है। हम तो फिर भी 150 करोड़ की आबादी वाले देश हैं और डेवलपिंग नेशन में हमारा नाम आता है भारत का, वहां की अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है आप समझ सकते हैं। बांग्लादेश से क्यों पिछड़ गए? सुनिए, बांग्लादेश से क्यों पिछड़ गया भारत? मेरी बात का जवाब क्रमशः सुन लिया जाए। और इन्होंने कहा आतंकवाद, आप कांग्रेस के समय में चले जाइए, 2014 से पहले जो आतंकवाद का स्वरूप था, जो प्रारूप था, जो देश में बम धमाके हुआ करते थे, और 2014 से लेकर के अभी वर्तमान में 2021 है, बताइए कि कहीं भी अगर आतंकवादी हमला हमारे देश के किसी भी हिस्से में हुआ हो तो आप कह सकते हैं। अब तो खुद और सुनिए, नहीं नहीं और सुनिए, और महंगाई की बात, 2000 नोट की बात कह रहे हैं, आपके समय में सबसे 2000 रक्षा तंत्र पर ही हमला किया जा रहा है, हमले की जरूरत ही नहीं है। एक चीज बांग्लादेश से मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की है, लेकिन आज पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम पीछे क्यों हुए? भारत की जनता इसका जवाब चाहती है कि भारत बांग्लादेश से आगे था, आज पीछे क्यों हो गए? तो वही चीज तो मैं कह रहा हूं, अभी कुछ देर पहले, खैर वो तो ऑफ द रिकॉर्ड था, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात चल रही थी, हम लोग यूपी में भी इस चीज को लाया जा रहा है, जब तक हमारी जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगी, जब तक यहाँ लोग संसाधन सीमित संसाधनों के बीच अगर ये नहीं किया जाएगा, अब एक नहीं एक एग्जांपल और राजकुमार जी, अच्छा जी, नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूं, अभी एक ही सवाल, एक सवाल मैं एंकर से आग्रह करना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल ये जो जो कोट कर रहे हैं, जो कोट कर रहे हैं, सबसे पहले उस पत्रिका को उल्टा कर दिखा दिया जाए, ये सीपीआई की ही पत्रिका है जिसको ये कोट कर रहे हैं। ठीक है, पत्रिका है, चलिए अब कोट हम ये कर रहे हैं, कोट नहीं कर रहे हैं, हाँ आप बोलिए, फैक्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये पत्रिका हमारी ही है। और मैं जो कह रहा हूं कि 58% टैक्स इस पत्रिका में लिखा हुआ है कि सरकार ले रही है, 58% टैक्स पेट्रोलियम पदार्थ पर से वापस क्यों नहीं ले रही है, इस पत्रिका में जो लिखा हुआ है गलत है। अब बोलिए, पत्रिका आपकी, तथ्य आपके, टैक्स आपके, मुझे कुछ भी नहीं कहना, आप अपनी पत्रिका दिखाकर अगर कुछ भी परसेंटेज और टैक्स और उसको तथ्य को दिखा रहे हैं, तो क्या टैक्स ले रही है, हाँ। सरकार क्या टैक्स, सरकार की जहां तक बात है, सुनिए, सुनिए, हमारी पत्रिका झूठ हो जाएगी, आप बताइए, मैं जनसंख्या नियंत्रण, सुनिए, नहीं नहीं एक चीज और मैं यहाँ जोड़ देता हूँ, देखिए, अगर यहाँ पैनल में बैठे हुए लोग अगर सामान्य परिवार से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मैं भी सामान्य परिवार से हूँ, भारत भाजपा के लोग, हर कार्यकर्ता करोड़पति ही नहीं होता, सामान्य तबके के भी होते हैं, उनको भी महंगाई से राहत की जरूरत है, लेकिन ये समझना होगा कि आखिर ये महंगाई का कारण क्या है, अगर टैक्स पेट्रोल और डीजल पर बढ़ाया गया है तो क्यों बढ़ाया गया है, आखिर ये जो मुफ्त में टीकाकरण दिया जा रहा है कोरोना का, और ये मुफ्त में राशन, लेकिन अब इसका भी तथ्य है, दो चीज हमारे इसका तथ्य है, एक मिनट मुख्यमंत्री जी अरे एक सेकेंड ने कहा है, अरे एक सेकेंड जरा सा इसका जवाब, एक सेकंड नहीं, राजकुमार कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर भी हम लोग बैठक करके इसको कंप्लीट, प्लीज प्लीज केयर फैम भी छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं कि पेट्रोलियम पदार्थ पर जो टैक्स लिए जा रहे हैं उसको इसलिए नहीं वापस लिया जा सकता है कि कल्याणकारी सरकार, मंत्री ने भी ऐसा कहा पार्लियामेंट में, सही बात है, लेकिन अब आप ये बताइए कि कॉरपोरेट घरानों के करों में छूट दे करके 1.45 लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान इस देश का क्यों किया गया, जनता से पैसा लेकर के और कॉरपोरेट का पैसा, कॉरपोरेट का घर भरते हैं और कहते हैं कि टैक्स ले रहे हैं कोरोना का सुइया देने के लिए, एक ये सब झूठ है, बकवास है, ये फंड में जितना फंडिंग आया है देश और विदेश से, इस पत्रिका के किसी भी तथ्य का मैं जवाब नहीं दूंगा,
क्योंकि मैं इसे ऑथेंटिक नहीं मानता। आप बताइए, आप बताइए तो, एक सेकंड आप बताइए कि एक लाख, आप कहिए कि 1.45 लाख जो कॉरपोरेट को टैक्स में छूट दिया गया, ये बात ये पत्रिका में छपा हुआ गलत है, आप यही बोल दीजिए। मैं तो बता रहा हूं कि मैं इसे ऑथेंटिक नहीं मानता, ये तथ्य सही हो ना हो ये गलत ये, है मैं कह रहा हूं। और टैक्स, एक सवाल मैं कहना चाह रहा हूँ, जब आपसे इन्होंने महंगाई पे बात की तो आप इधर से जनसंख्या नियंत्रण पे गए, तो वहाँ बसपा के पार्टी से बिलोंग करते हैं यूपी से, उनके अभी इलेक्शन होने वाली 2022 में, तो क्या ये माना जा सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है एक तरह से फिर भी एक सर फिर एक नया जो भाजपा के अब देखिये मैं बताना चाहता हूँ, मैं आप सब सभी देश वासियों का और मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं एक बातों पर कि जब भी ये सरकार आई थी बहुत सारे बात के जो हमारे अंजनीदा ने बताया कि उनका क्या क्या प्रोपेगेंडा था वो, और बाद में जब ये पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ कि आपने पूरा नहीं किया बात को, तो गृह मंत्री हमारे तत्कालीन उस समय गृह मंत्री थे अमित शाह जी, उन्होंने बड़ी स्टूडियो में और नेशनल स्टूडियो में अभी भी है, तत्कालीन नहीं अभी भी है ठीक है हाँ। उस समय गृहमंत्री आप तो वो बोले क्या ये जुमला जब हमारे देश के ऑथेंटिक लोग 15 लाख वाला हाँ, हाँ ये ऑथेंटिक लोग जब हमारे देश के ऐसी बात बोलते हैं तो बताया जाए कि देश के जनता का उस सरकार पर क्या विश्वास। चलिए एक सवाल सुनिए सुनिए, ये 2015 चुनाव में भी ये इस बात को लेकर आए। देखिये जवाब कौन देता है, जवाब अक्षय आर्या के जवाब देने से कुछ नहीं होने वाला है, जवाब जनता देती है। ये 2015 में भी जवाब 2015 में भी ये बोले 15 लाख, लालू यादव बोले नस फट जाएगा 15 जेल, चल जेल में अभी जस्ट निकले हैं भ्रष्टाचार के आरोप से। 2020 में फिर चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीट के साथ आई। अब आप बोलिएगा कि बिहार तो शहरों का राज्य नहीं है, ये गांवों का राज्य है, 118 सीट में हमने 74 सीट जीता, तो और अन्य दल कहां खड़े रहे ये भी बताइए। देखिए 15 लाख, अरे 15 लाख, अरे नहीं, तो इसका मतलब ये आप खुल के कहिए कि हम देश को लूटने का लाइसेंस जनता दे चुकी है, हम लूटेंगे जब तक देश की जनता हमको लाइसेंस देगी। जनता बेवकूफ नहीं है, लूटने का लाइसेंस जनता नहीं दी है, जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। अगर लूटने का रहता जनता लाइसेंस देती ही नहीं, जनता को भरोसा है, जनता का भरोसा नहीं है, भरोसा टूट रहा है बेरोजगारी के वजह से, भ्रष्टाचार। तो ये तो फिर आने वाले चुनाव में दिखेगा। 150 रुपए लीटर, मान लीजिए 150 रुपए लीटर प्लस तेल आप खा रहा है, आप ये बताइए किस पर क्या भरोसा 2022 में जनता आप पे वापस करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बैलगाड़ी से आ जाते हैं जब आप यहाँ 76 रुपया से लेके आप 107 रुपया, तो उसमें क्या प्रक्रिया आप पीएम केयर फंड को आप करोड़ों रुपया आप बोले गैस प्लांटेशन बनाइए, एक सीधा प्रोपेगेंडा क्लियर नहीं किया। आप दोनों जुमलेबाजी करते हैं, आप दोनों व्यक्तिगत रूप से हमसे सीनियर हैं, और एक सीधा सा सवाल आप दोनों से ही है कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी देश के किन किन राज्यों में हमारी सरकार है, और आपके आप दोनों के पार्टी की किन किन राज्यों में सरकार है, ये सिर्फ आप बता दीजिए कि जनता का भरोसा किस पर ज्यादा है, तथ्य सारे स्पष्ट हो जाएंगे। सबसे पहले आर्या जी मैं आपको बता दूं, एक समय था कि जब आपके दो सीट थे और आप बोलने, आज हम भरोसे के भरोसा है तभी तो हम हैं। सुन लिया जाए, सुन लिया जाए, सही बात है, आपने भरोसा भरोसा करके लोगों को जुमलाबाजी देके राष्ट्रवाद और नैतिकतावाद सिखा के बेरोजगारी अंधविश्वासी सबको पुटली में, एक सेकंड ट्रैक पर ले जाके आपने राजकुमार जी, नहीं तब भी इसका हिसाब है, गणित है, आपने जरा सा 150 करोड़ के भारत जरा राजकुमार गुरु बनाने की बात आपने कही और आप जो एक फंसा के रख दिए जनता को, अब वो आपको पहले तो भगवादारी आपको पुजारी है राजकुमार भैया, ये जनता बार बार क्यों फंस जा रही है। जब मैं अब हिसाब नहीं वो बात नहीं है, अरे बात नहीं है, समझिए हमको जरा बता, आपको जवाब मिलेगा, नहीं अब एक हमको जरा सा, भारत की जनता
31% भारत की जनता संपूर्ण नहीं होती। आप सत्ता में हैं 31% के बदौलत, हिसाब जोड़िए, गणित है, अंक है, डिवाइड एंड रूल है। उस 31% पहले पहले सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ, हम आपकी बात को सुन रहे थे जी, आप जवाब दीजिए, सुन रहे। 70% आबादी आज भी आपके खिलाफ है। ये कैसे आप कह सकते हैं? मैं कह रहा हूँ वोट के आप वोट की बात कर रहे हैं, वोट परसेंटेज पड़ा कितना वो भी तो देखिए, वही जितना पड़ा उसका 31% आपके पास है। 69% आबादी आपके खिलाफ सड़कों पर चिल्ला रही है दुर्भाग्य, और आपका सौभाग्य इसी में है वो 69% अपने में डिवाइड है, वो जनता एक खंड में नहीं आ रही है, और यही वजह है कि उसके डिवीजन का लाभ और बार बार जनता को आप धर्म के, संप्रदाय के, क्षेत्र और भाषा के नाम पर डिवाइड करने की राजनीति करके, लेकिन ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति ज्यादा दिनों तक आपको सत्ता में नहीं रहने देगा। जनता पाई पाई का हिसाब लेगी, जनता देख रही है। अच्छा जी, कह रहे हैं कि मेरा जवाब अभी भी नहीं मिला है, बताया इनको तो जवाब क्या कभी मिलेगा ही नहीं, चूंकि जो जवाब सुनते, जो सवाल को ही जुमला कहते हैं, तो उनके लिए जवाब क्या, मेरा जवाब क्या ही रहेगा। अब इनका जवाब कहिए, ये कह रहे हैं कि हमको पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट मिला, यही मेरा जवाब है कि हम पेट्रोल का दाम बढ़ेबे करेंगे। मेरा सवाल सुनिए, अभी भी नहीं है। आपका कहना यही है कि चूंकि जनता सबसे ज्यादा वोट हमको दे रही है, पेट्रोल का दाम हम बढ़ाएंगे, जनता को कष्ट नहीं है। हमको ज्यादा वोट आ रहा है, रसोई गैस का दाम बढ़ाएंगे। हमको एक सवाल मेरा यही है कि इन्होंने कहा कि जनता हम पे विश्वास कर रही है और हर क्षेत्र में हम जीत रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आप हार भी रहे हैं, लेकिन क्या ये जो जनसंख्या नियंत्रण जो आपने जो एक विगुल छोड़ दिया है कि नहीं ये होना चाहिए, तो कहीं 2022 में कोई मुद्दा आपको नहीं मिल रहा है कि राम मंदिर का भी मुद्दा? सुनिए शानू जी, देखिए ये इस नहीं इस चीज पे इस देखिए एक सभ्य नागरिक रूप में आपको इस चीज को सोचना होगा, एक पढ़े लिखे नागरिक के रूप में, कि ये जो संसाधन है, सुनिए एक जो संसाधन है, आज जब हम लोग टीकाकरण के लिए जा रहे हैं तो पूरे विश्व में अगर आप सब पूरी आबादी को जोड़ दीजिए उतना टीकाकरण भारत में हो चुका है, नहीं हुआ, लगभग 36-37 करोड़, इतना तो आबादी किसी भी देश की, हम जितनी आबादी, हमारे टीकाकरण सब जगह बंद है, हाहाकार है टीका के लिए, टीका के लिए हाहाकार है। मैं कह रहा हूँ पहले सुनिए, फोन तो लगाइएगा अभी, टीका देगा और सुनिए तो नहीं सुनिए, मटिहानी चिकित्सा प्रभारी से आप बात कीजिए, मैंने मेरा डेट 19 को था, 84 पहले था कि 28 दिन बाद टीका लगना चाहिए डबल डोज, उसके बाद हुआ 55 दिन बाद होना चाहिए, उसके बाद हुआ 84 दिन, 84 सुनिए पहले हमको बात बोलने दीजिए, 84 दिन जैसे बोलने तो दीजिए, 84 दिन बाद टीका सेकेंड डोज, 84 दिन मेरा 19 जुलाई 84 दिन मेरा पूरा हो गया। मैं चिकित्सा प्रभारी मटिहानी, मैं मटिहानी का नागरिक हूँ, मैं वहीं टीका लेता हूँ, जनता हमारी वहीं, हम लोग वहीं अपना टीका लेते हैं, तो हमने रेफरल अस्पताल फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ टीका लेने के लिए, कहा मत आइए, सूचना देंगे तब आइएगा, कहे क्यों, तो टीका आज 10 दिन से नहीं है, टीका 10 दिन से नहीं है, देखिए और सुनिए जो है ना 25% भी क्लियर नहीं, देखिए जब जब लहर से मुझे याद है कि 2-3 दिन और वैक्सीनेशन को ये विधायक इनके पार्टी का उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन की कमी से मौतें नहीं हुई है हमारे, बुझिए सुनिए गौरव जी, हास्यास्पद बातें जब सुनिए, हास्यास्पद बातें कौन कर रहा है ये तो दर्शक दिख रही है, मैं एक चीज बता देता हूँ, जब भी कोई डिबेट अगर आप करें तो उसको कंट्रोल करके रखिए, डिबेट को, डिबेट कंट्रोल करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, कि
जो मुद्दा चल रहा है बोलने ना दें, उससे भटका होना, डिबेट कंट्रोल का मतलब है। अब मैं सुनिए सुनिए, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाए। अभी जनसंख्या नियंत्रण पर बात चल रही थी, आप टीकाकरण पर चले गए, हम लोग अब चुप हो जाते हैं, आप अकेले बोलते रहिए, बहस नहीं होगी। नहीं नहीं सुनिए, मैं आपके जवाब दे रहा हूँ, आपकी सारी बातों का तथ्यात्मक तरीके से जवाब सुनिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे थे, अगर ये जनसंख्या जब तक नियंत्रित, आपको ऐसे ही टीकाकरण की समस्या होगी, कभी किसी और तरह की समस्या होगी। आज एक यूपी से जो शुरुआत की गई है, एक बहुत ही रचनात्मक चीज की, कि जनसंख्या नियंत्रित किया जाए। अगर जनसंख्या नियंत्रित नहीं होगा, हम लोग कई वर्ष लग जाएंगे टीकाकरण करने में, तो सरकार भी तो यही चाहती। अब ये कह रहे थे, अभी कुछ देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हो रही थी, तो दादा का कहना था कि लोगों को शिक्षित किया जाए, तभी जो है जनसंख्या पर नियंत्रण, आप नीतियां नहीं लागू कर सकते हैं। दादा, एक सवाल आपसे मेरा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कर रहे थे और सरकार में साथ में कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, तो उस समय आपने नीतीश जी को ये क्यों नहीं कहा कि सबसे पहले आप लोगों को शिक्षित करिए, उसके बाद शराबबंदी कानून लाइए। आज जो जहरीली शराब से मौत हो रही है, क्या उसके गुनहगार आप लोग स्वयं को नहीं मानते हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि विषय से, विषय से देखिए सवाल, आप एक सेकंड नहीं, नहीं जब आप एक सेकंड नहीं, अब हमको जरा बोलने दीजिए, जरा सा राजकुमार जी एक सेकंड, आप सवाल को स्वयं कहा कि डिबेट का एक स्टैंडर्ड, मैं तो सवाल पहले 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 आपको पहले आप बोलने दीजिए, पहले आप बोलने दीजिए, लाएंगे उसको जगह पर, नहीं बोलने लाए, बोलने तो दीजिए, आप बोलने तो दीजिए, मैं तो सवाल करूंगा, नहीं 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 एक सेकंड नहीं, डिबेट का मतलब है कि आपने अभी तुरंत कहा कि विषयानुगत होना चाहिए, तो विषयांतर नहीं है, बीच में दोनों मिला हुआ है, अभी आप एक सेकंड, दोनों मिला हुआ है, मैंने शुरू में आग्रह किया था नीति निर्धारण की बात है दादा की, मैं भी कह रहा हूं बोलने तो दीजिए, नीति निर्धारण आप हम भी तो थोड़ा समझते हैं, बिल्कुल जवाब, एक सेकंड, नीति निर्धारण पहले तो डिबेट को कंट्रोल करने का विषय के अनुरूप होना चाहिए, एक दूसरी बात कि मैंने शुरू में भी आग्रह किया था कि एक वक्ता बोलें तो बाकी अपना प्रश्न नोट करें और अपनी बारी आने पर बोलें, आप क्रॉस शुरू किए तो हमने भी क्रॉस शुरू किया, ये अच्छी बात नहीं है। अब आई बात कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड उस समय आपने हमसे सवाल करवाया, सवाल अभी होना चाहिए था, जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण और समस्या, इस सब के बीच में क्या संबंध है? जनसंख्या नियंत्रण यानी ये देश, देश किसका है? भारत की जनता का है, जनता के लिए है। हम जो लोकतंत्र की परिभाषा बचपन में पढ़े, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे का विद्वानों के लिए विद्वानों के द्वारा शासन ही लिखना चाहिए था, नहीं, जनतंत्र में लिखा गया कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ये हमारा संविधान है। जरा सा प्लीज मैं, प्लीज मैं आग्रह करता हूँ इनकी बातों को समझने के लिए, जनता यह उनको समझना चाहिए। अब ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रण जनता के लिए होना चाहिए, अब जनता जहां खड़ी है वहां से उनको आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए। हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो जबरदस्ती कोई कानून थोपेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, वो अभी तक हम तो कहते हैं हम दो हमारे दो लागू है, हम दो हमारे दो कानून लागू है, जनसंख्या नया नियंत्रण क्या आप कीजिएगा, और हम दो हमारे दो के बाद आठ हुआ है, सुन लीजिए नहीं हम दो हमारे दो कानून के रहते हुए कहीं आठ है, सात है, छह है, बारह है, पांच है, हम क्यों नहीं, ये लागू हुआ, लागू नहीं हुआ, एक सेकंड, लागू नहीं हुआ इसका कारण है कि जनता में बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की कमी, महिला शिक्षा की कमी, और उसको लगता है कि हमारे घर में जैगो पूत होगा तैगो काम करने वाला होगा, हमारी गरीबी मिट जाएगी। अगर ये समझ रहे कि जब तक दुनिया का कोई कानून, जब तक हमारी माँ बहनें इस चेतना से लैस रहेगी कि हमारा पुत, हमारा
भरोसा है, हमारा रोजगार है, हमारी संपत्ति है। तो एक सेकेंड, दूसरा क्या है, जब तक लड़का लड़की को पैतृक संपत्ति में बराबर का हक नहीं मिलेगा, तब तक लड़का की प्रतीक्षा में जनसंख्या बढ़ रहे, एक सवाल मेरा है, बढ़ता रहेगा। इसलिए इसलिए इनका ये कहना है कि इनकी सरकार जो है कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि हम इस जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर सकते, रोजगार नहीं दे सकते, वैक्सीन नहीं दे पा रहे, इसीलिए हम जनसंख्या कानून लाना चाहिए ताकि हम लोग प्रॉपर मतलब ये जो वैक्सीन दे सके। क्या आप ये छिप करके जनता को मारना चाहते हैं? अभी कोरोना में बहुत लाश जल गया, ये छिप करके बोलते हैं कुछ करते हैं कुछ, ये जनता को डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं तो ये छिपे रुस्तम जनहत्या चाहते हैं और ये जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर जनहत्या कानून लाना चाहते हैं और कुछ नहीं इसका। अब देखिए, अब मेरी बात को सुन लिया जाए। ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के रूप में जनहत्या, तो साहब एक बात बताया जाए कि क्या आप फिर से कोरोना जैसे किसी महामारी का इंतजार कर रहे हैं क्या, कि महामारी आएगी तब हम लोगों को शिक्षित करेंगे, तब उनको हम इस दिव्य ज्ञान का अनुभव करवाएंगे कि आप दो ही बच्चे पैदा करें? ऐसा नहीं होता है। जब महामारी आती है, आज जो महामारी आई और अस्पतालों में जगह खाली नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हुई, आखिर इसकी तैयारी हमें करनी होगी कि नहीं करनी? Who is responsible? कौन है जिम्मेदार ऑक्सीजन की कालाबाजारी के लिए? कौन है जिम्मेदार? ऑक्सीजन की कालाबाजारी हुई पूरे देश में, कौन इसका जिम्मेदार? आप कहते हैं बीच में नहीं बोलिए, मैं जब जवाब दे रहा हूं तो दादा आप बीच में, आप मेरी बात को सुन लिया जाए। अगर आप जनसंख्या को नियंत्रित नहीं करिएगा, अगर ये कानून अगर हमारे देश में नहीं आता है जनसंख्या नियंत्रण कानून, तो यकीन मानिए ऐसी महामारियां आती रहेंगी, लोग मरते रहेंगे, ऑक्सीजन और अस्पतालों की किल्लत होती रहेगी। 80 करोड़ लोगों को आप यहाँ पे आना, 80 करोड़ लोगों को आप यहाँ पे ये कह रहे हैं मतलब कि आप देते हैं, एक तरह से राशन दे रहे हैं, तो आज आपको 80 करोड़ जब सीधा पिछले साल भी दिया, बहुत अच्छी बात है 80 करोड़ दिया, इस साल भी 80 करोड़ आपने दिया, लेकिन आप फिर बोल रहे हैं कि अब जनसंख्या ज्यादा है तो मैं नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन की कमी हुई जनसंख्या निरंतर के लिए, आप ही के विधायक। देखिए ये दोनों दो चीज है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कमी से नहीं मरे हैं लोग, ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, हाल ही में स्टेटमेंट दिया, आप बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन मतलब की कमी है देश में, तो ये मैंने ये देखिए आप ये सवाल का जवाब ये सवाल आता है कि ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, मैंने उस बात पर कहा जी। सबसे पहले तो आपको बता दें आर्या जी कि जब से आपकी सरकार आई है आपने पूरे देश को एक्सपेरिमेंट हॉल बना के छोड़ दिया है। मेरा कहना है, मेरा पर्सनल व्यक्ति तौर, सारे लोग हमारे जैसे बुद्धिजीवी जो होंगे वो आपको कहेंगे, आप जब से आए हैं कहे कुछ किए कुछ और हो रहा है कुछ, पहला। और दूसरा कि आप जब से आए नोटबंदी GST मोटर व्हीकल, आपने सिर्फ कानून लाने का काम किया और उसका कैसे होगा क्लियरिफाई ये कभी नहीं बताया। GST लाया, 350 लाख करोड़ रुपया आपके पास आया जिसका आप आज तक खुलासा नहीं कर पाए कि उसका हम क्या करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपको PM राहत के केयर में इतना पैसा आया, देश विदेश हर लोग अपने देश के बचाने के लिए, आम नागरिक से लेके बड़े नागरिक तक विद्युत आपको हर तरफ से मदद मिला और आज भी आप रोते हैं सर BJP सरकार बेशर्म की तरह कहती है ऑक्सीजन हम दे रहे हैं फ्री दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं आप देश पर? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले सरकार की ये जो सरकार सामाजिकता आधार पर और देश के पूरे सुदृढ़ स्थिति पर बनी होती है, धारा के नेता ने विरोध भी किया कि वैक्सीन लेके आए तो शायद उनका फोटो वहां पे लगा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि मृत्यु सर्टिफिकेट वो छोटी छोटी बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, वैसा बातों करेंगे तिनके सांसद की, यहाँ 40 बैन लगा हुआ था जिसके लिए आज पप्पू यादव अंदर चले गए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए अंदर कर दिया जाएगा, सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिए राजद्रोह का केस लग जाएगा, ये राजद्रोह जबकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको खत्म कर दिया जाए लेकिन ये लागू किए हुए हैं ये। इस पर दूसरे मैं क्लियर करना चाहता हूँ सर, बहुत अच्छा बात राजेश आर्या जी बोले कि मुद्दा पर ही बात हो तो बहुत अच्छी हो, इनका दो क्वेश्चन के सवाल मैंने दे दिया, तीसरा मैं इनका करना चाहूँ, तीसरा ये जनसंख्या कानून पर है, मैं आपको बता दूं सर कि जानकारी के लिए आपको होना चाहिए कि 5 राज्य ऐसा था जहाँ जनसंख्या हर राज्य से केरल तमिलनाडु और उसके आसपास के दक्षिणी क्षेत्र में
जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया ज्यादा हैं वहाँ जो है कि जनसंख्या तेजी में बढ़ रहा था, जो सरकार के लिए एक खास समुदाय पर उनका एक सोच होता है कि उसको हर हमेशा दबा के रखा जाए, और जो ये भली भांति जब से आए हैं करते आ रहे हैं, ठीक है, ये सामाजिकता समूलता की बातें करते हैं जो ये इनमें नहीं है। और ये आज मैं बताता हूँ कि उस पांच राज्य जो आज विगत 10 साल का ये गूगल पर सर्च करने की बात है, अगर आपको लगे कि मेरी बातें गलत है, तो आज वो पांच राज्य 4%, 7% और 5% आबादी दर वहाँ कम हो गया, जहाँ सबसे अधिक आबादी दर पूरे इंडिया में था। है कि इनकी पार्टी एक्सपेरिमेंट करती है, बस एक्सपेरिमेंट करती है। आपका क्या कहना है? ये आज मैं छोटी सी बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कैसे इसको उदाहरण देकर, ये नहीं कि मैं आज मैं जनता को कुछ भी बता रहा हूँ, पार्टी लेवल के विरोध में हूँ, इनके विपक्ष में हूँ, तो मैं एक आम नागरिक भी हूँ, मैं ये भी बता दूँ, मैं एक भारत देश का वोटर भी, मैं ये भी बता दूँ। एक मिनट राजू, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये जब आए थे तो ये नोटबंदी तुरंत ला दिए, इनका सरकार का ज्यादा दिन हुआ नहीं था, ये पूरे देश में उसमें जितने भी लघु उद्योग थे कम से कम हमारे आंकड़ा के हिसाब से 64 लाख जो है कि लघु उद्योग जिससे छोटा छोटा 64 करोड़ लोग जुड़ा हुआ था वो बंद हो गया, कमर टूट गया, जहां कर्जा मिलता था नोटबंदी में सारा बैंक में ही रखवा ली। जो एक छोटा सा उदाहरण गाँव देहात का बताता हूँ कि जो गाँव देहात में हमारे समाज के लोग व्यापारी जाते थे और समाज के समृद्ध लोग जो उनको कर्ज देते थे 1%, 2%, 5% के हिसाब से, जो कर्ज भी अब मिलना बंद हो गया, क्योंकि सरकार कहती है कि आइए मुद्रा लोन लीजिए, जबकि अब मैं आपको बता दूं आंकड़ा ये 38 लाख लोगों का बताते हैं, लेकिन 38 लाख का वेरिफिकेशन आप करेंगे तो सब समृद्ध व्यवसायी को मिला है, एक भी खोइचा वाला 80 वाला का नहीं मिला। समय का अभाव है थोड़ा और, ठीक है। जनसंख्या कानून की आखिरी बात की, जैसे यूपी में हमारे योगी जी लाए हैं, तो वो जो है वो मुख्यमंत्री कम बाबा ज्यादा हैं, क्यों, इसका उदाहरण है कि वो आते हैं कोई क्राइम किया उसका फोटो लगवा देते हैं रोड पर, संविधान को ताक में रख के वो अपना एक संविधान से यूपी में चला रहे हैं, और यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या आपको बता दें एक खास समुदाय लोगों का है, मुस्लिम लोग है, जहां वो चाहते हैं कि उसको नकेल कस दिया जाए, ठीक है। जनसंख्या कानून और बहुत सारे सुनिए सरकार, सानू जी नहीं हो गया, आप बहुत बहुत बोल दिए, अब सुनिए, अभी आप चूंकि बसपा से हैं मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गया था, अभी पिछले सप्ताह, आप जब दिल्ली नोएडा से घुसेंगे दिल्ली में तो DND फ्लाईओवर है, उससे ठीक पहले लगभग 1,000 करोड़ रुपये का वहाँ एक पार्क बना है, मायावती जी ने बनवाया है, उसमें क्या है पता है आपको, सैकड़ों हाथी का ही सिर्फ तस्वीर नहीं, तो आपको जानकारी सिर्फ सैकड़ों हाथी आखिर नहीं अभी बना हुआ है, अरे बड़ी बड़ी हाथी एक लाइन से, मैं आपको जानकारी देता हूँ, अब बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ने वो नहीं किया तो बाबा हो गए, वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ पाए, अगर वहाँ हाथी वाला पार्क बन जाता तो मुसीएम हो जाते, वहाँ वो हाथी का फोटो नहीं लगा के वो क्रिमिनल का फोटो लगाते हैं तो वो बाबा हो गया, आप क्या चाहते हैं, यही तो होता है यूपी में कि क्रिमिनल प्रोन्ड मुख्यमंत्री बहुजन पार्टी की जो है मायावती ये सिर्फ क्राइम करवाने वाले हैं, तो आपकी वो बात, दूसरी बात सुनिए सुनिए, अब दूसरी बात ये बात कर रहे थे, सुनिए दूसरी बात एक चीज और, अभी ये पीएम केयर फंड, पीएम केयर फंड ये पीएम केयर फंड की बात कर रहे थे, पीएम केयर फंड की बात जो कर रहे थे, मैं यकीन के दावे के साथ कह सकता हूं कि आप दोनों में से किसी ने पीएम केयर फंड में पैसा नहीं दिया होगा, मैंने दिया है, जो दिया है वो जो दिया, सुनिए जो दिया है जिस व्यक्ति ने दिया है, आपको आपके पेट में क्यों दर्द है कि वो पैसा कहां गया जब आपने दिया ही नहीं पीएम केयर फंड में, सुनिए अब मैं बता देता हूं, इतने अगर आप जितना टीकाकरण किया गया है, इस कोरोना में जितना जगह ऑक्सीजन प्लांट सब जगह बैठाया गया है, आप अगर हिसाब लगाने बैठिएगा तो आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, इतना पैसा खर्च हुआ है, आखिर वो पैसा कहां से आया, पीएम के आओ मोदी जी पॉकेट में, मोदी जी पॉकेट में लेके नहीं चलते हैं पैसा, दर्द नहीं हो रहा है, बैठाए लोग व्यवसाय कमर्शियल पे में बैठा है, चलिए कुछ बोलेंगे, इनका कहना है लास्ट, अब उनका सब कुछ कहना है और हमारा कुछ, इनका जो सवाल था हम आपको जवाब एक समय देंगे, हमें इनका लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं कि इनका कहना था कि जो सर्कुलेशन है, याद है कि कुछ दिन पहले भी डिबेट हुई थी, आप आए थे दर्शक के रूप में, आप थे वहाँ पे,
तो इन्हीं के पार्टी के कुछ छात्र संघ से भी थे जो एबीपी से थे, उन्होंने भी वही बात कही कि चेन सर्कुलेशन, एक चेन सर्कुलेशन। और अभी ये इनके हाथ में जो पत्रिका है अंजनी जी के, इनके हाथ में जो है, और ये बोलते हैं हम इसे नहीं मानते हैं क्योंकि इनके इसमें क्या लिखा डेटाबेस। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी जो डेटाबेस आपके पार्टी की तरफ से मिलता है वही डेटाबेस आप हर डिबेट में बोलते हैं। और उधर वो बोल रहे थे कि यूपी के जो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बोल रहे हैं, तो ये सब जो है गणित जो है कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप आज आप ऐसी स्थिति में देश है जहां आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई, जनसंख्या नियंत्रण हुई, पेट्रोल की महंगा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के समय भी ये मांग जो है कांग्रेस लाना चाहती थी बहुत समय, सर बता सकते हैं कि उस दौरान भी ये चलता हुआ क्यों अपोज कर। मैं यही शुरू से अब देखिए सबसे बड़ा सवाल तो वही है, अरे बोलने के लिए अब हमको सबसे बड़ा सवाल तो वही है। राजकुमार जी आग्रह है कि थोड़ा अगर वक्त हमको दिया जाए, एक ही मिनट, ये सब बहुत देर तक बोल चुके हैं। हाँ मैं बीच में चुपचाप सुन रहा था, बीच बीच में मजबूरी हो जाती थी। देखिए मैंने शुरू में कहा कि इनके पास मुद्दे नहीं हैं और ये जनता को, हम लोग एक बार एक कहानी सुना देते हैं। मैं इंटर का छात्र था, जीडी कॉलेज में पढ़ता था, निकल के चला गया हर हर महादेव चौक की तरह सब्जी खरीदने के लिए। बीच में एक कुछ लोग इकट्ठा थे और ताली बजा रहे थे, तो मैं भी छात्र होकर के देखा तो देखा कि वहाँ एक ढाकी दौड़ा जो होता है उसमें काला कपड़ा ओढ़ाया हुआ था और उसमें भीतर में एक बच्चा सोया हुआ था और एक आदमी डमरू बजाता हुआ और ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लेकर के ताली बजवा रहा था। उसके बाद वो छुरा निकाला और उसको छुरा मारा, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, साला बच्चा को छुरा मार दिया। हम दो चार थे, दो चार विद्यार्थी, कहना क्या चाह रहे हैं इस पर, हम कहना क्या चाह रहे हैं सुनिएगा और कहानी सुन लीजिएगा तभी समझिएगा, समय का अभाव है, जरा सा मैं शॉर्ट में तुरंत कह रहा हूँ। और वो जब छुरा मारा, हमने तुरंत ढाकी को उल्टाया कि बच्चा को छुरा लगा, हम बच्चा को उठा के हॉस्पिटल भागेंगे, वो हम पर छुरा ताना, हम लोग चार पांच थे उसको पकड़े। वो जो था छुरा दिखाता था, ताली बजवाता था और बाद में चल करके दांत दर्द की दवाई बेचने लगता था। ये कस्टम है, मदारी का खेल है, राजनीत और लोकतंत्र को मदारी का खेल बना दिया गया। किसने बनाया? बनाया अभी जो कर रहे हैं वर्तमान सरकार। सरकार कौन बनाया? अब हम देखिए सरकार कौन बनाया, राजकुमार जी बोल रहे थे पूछे से अब देखिए अब हमारी बातों को बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए, हमारी बातों को इंटरप्ट ना किया जाए, मेरा आग्रह है। नहीं आप कुछ भी बोलिएगा तो नहीं सुनेंगे, नहीं, नहीं, सीधी सी बात। अरे आप जवाब नहीं, जवाब दीजिएगा, कुछ भी बोलिएगा तो जवाब दीजिएगा, मैं आपकी सब बातों को सुनकर वो नहीं होगा। नहीं नहीं जनता को मदारी राजनीत को ये बोलेंगे मदारी का खेल, मैं बोलूंगा कि जनता ने सरकार बनाया है, ऐसा नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बोलते रहिए, बोलिए जनता ने बनाया, ये नहीं होगा। जनता को ये क्लासरूम में नहीं बैठे हुए हैं कि शिक्षक बोल रहे हैं और छात्र सुन रहे हैं, आप भी डिबेट में हैं, मैं भी डिबेट में हूं, डिबेट में आपकी बात को तब आपको भी बोलते समय मैं ऊंची आवाज में बोल सकता हूं, ये नहीं है, आप नहीं, आप बोलते रहिएगा, आप आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल भी सकते हैं, नहीं होगा कैसे, हम लोग युवा हैं, ऊर्जा है तो मारिएगा, नहीं मारने की बात नहीं, आप क्या कर रहे हैं युवा, धमकी दीजिए, धमकी कुछ भी नहीं दे सकते, धमकी क्यों दे रहे हैं, युवा होने का मतलब धमकी दे दीजिए, आप बोलिएगा नहीं है, आप युवा हैं तो युवा होने का मतलब नहीं, हम लोग बुजुर्गों का लल्ली दाब दीजिएगा, ये नहीं होगा, आप सुन लीजिए, आप जोर से बोलिएगा, आप बोलने दे दीजिए, हमको बोलने नहीं दीजिएगा, हम ये कह रहे हैं कि मदारी का राजनीति खेल बना करके, जैसे अभी तुरंत जब ऑक्सीजन की कमी हुई, बेरोजगारी दूर नहीं हुआ,
15 लाख रुपया नहीं आया, आतंकवाद समाप्त नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ, तो अब ये जनसंख्या नियंत्रण लाना चाहते हैं। ये जुमलेबाजी, ये मदारी का खेल, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। जनता जानती है, जनता पहचानती है इस बात को, और इस बार आपके पास मुद्दे नहीं है तो जनता को जनसंख्या का हवा दिखा करके, पहले कांग्रेस का हवा दिखाते थे सब बात में, अब जनसंख्या का हवा दिखा करके आप कॉरपोरेट घरानों को लुटवाना चाहते हैं देश। ये देश नहीं, सार्वजनिक उद्योगों को, LIC को बेचा, सड़क को बेचा, हवाई जहाज को बेच दिया, तमाम कल कारखाना बेच दिया। आप देश बेचने के लिए आपको नहीं दिया जाएगा, यही हमको कहना था। और दादा जितनी तेज आवाज में, जितनी ऊंची आवाज में, जितने जोश के साथ अंजनी दा ने अपनी बातों को रखा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उतनी ही तेजी के साथ CPI और भी नीचे चलती चली जाएगी। आपकी कल्पना से, आपकी कल्पना से कम्युनिस्ट आंदोलन नीचे नहीं, आप तो सब दिन कम्युनिस्ट आंदोलन को मरते देखना चाहते हैं। और डैंग डॉर्स चिल्का नहीं मरे छे, ये बात सुन लियो। आखिर में राजकुमार जी आप फंस रहे थे इस बात में, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ये तो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, नहीं व्यक्ति, ये CPI की बात है, पार्टी की बात बोले, इन्होंने बात बोली, आज व्यक्तिगत भी हो गया क्योंकि डिबेट में बैठे हुए हैं। चलिए, ये तो नहीं होना चाहिए। आपको मानना होगा सर, आपको मानना होगा कि देश जिस सोच से आपके साथ हुई थी, मैं आखिरी बात बोला, वो सोच आपने देश की जनता को डगमगाया है। जब भी जनता आपसे सवाल करना चाहती है, आप उस सवाल को घेरे में डालकर उसको बंद कर देते हैं। हर सच्चाई को, जब भी कुछ कोई होता है तो उसको दलाल बना देते हैं। कोई भी आज देश की शर्मनाक बात है कि इस वैश्विक महामारी में भी इन्होंने आपदा को कुछ लोगों के लिए अवसर में बदल दिया। मैं जानकारी देना चाहता हूं, जबकि पूरा विश्व घाटे में था, हमारे देश में 40 अरबपति पैदा हो गए। आप गूगल सर्च कर लीजिए, 40 अरबपति हो गए, और अडानी और अंबानी जैसे लोग एशिया के नंबर 1 और 2 हो गए। ये चलिए, आपका कहना है कहीं एक जगह अमीर हो गए, कहीं गरीब हो गए, चलिए डिबेट बहुत ही लंबा चला। एक कंक्लूडिंग फैक्ट में, एक सिर्फ एक सेंटेंस में, एक कंक्लूजन बस, हाँ कंक्लूजन दे देता हूँ। सब गूगल की बात कर रहे थे तो वो तो खैर अंबानी जी का ऑक्सीजन बहुत ऑक्सीजन भेजवा रहे हैं, तो अंबानी जी बोले तो आप, हाँ नहीं, एक कंक्लूजन आप दो आदमी, एक आदमी, तीन आदमी का टॉकिंग, एक कंक्लूजन, इनको बोलने तो एक कंक्लूजन, क्या कहना चाहते हैं? एक कंक्लूजन देखिए, किसी भी परिवार में जब परेशानी आती है, अगर कोई विपदा आती है, तो परिवार के सारे लोग मिलकर उस विपदा का सामना करते हैं। आज ये कोरोना जो है महामारी, ये एक विपदा के रूप में हमारे देश में आया है। सिर्फ ये मेरे अक्षय आर्या के परिवार की, या अंजनी दा के परिवार की, या राजकुमार जी के परिवार की बात नहीं है, पूरे देश में ये विपदा आई है। लोग मर रहे हैं, परेशानी में हैं, और ये हम सब का कर्तव्य है कि हम लोग इसको एक साथ मिलकर इसका सामना करें। और सरकार के द्वारा जो महंगाई है, उससे मैं भी व्यथित हूँ, ये भी सब लोग हैं कि आखिर महंगाई बढ़ी हुई है, तो इसको लेकर के धीरे धीरे सरकार, अर्थव्यवस्था जब पटरी पर आएगी, उसको फिर से सामान्य किया जाएगा। तब तक एक नागरिक रूप में हमारा ये कर्तव्य है कि हम सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करें, और इस कोरोना वैश्विक महामारी में हम सरकार का साथ दें। अब मैं एक चीज आग्रह मैं भी करना चाहूँगा, कंक्लूडिंग रिक्वेस्ट मेरा भी होगा कि ये सचमुच अगर इनकी सोच है कि आपदा सचमुच ये पूरे परिवार, पूरे देश के लिए आपदा, मानव समाज के लिए, लेकिन इस आपदा को धन कमाने का अवसर न बनाया जाए। ये जो सरकार आज इस देश में 35% जो 63 परिवारों के धन में वृद्धि करने का काम किया है, इस पर रोक लगाई जाए, और कोरोना संकट इस आपदा में मिलजुल करके जनता के बीच जनता के जीवन रक्षा का अभियान चलाया जाए, और टीकाकरण
का जो संकट है इसको अविलंब दूर किया जाए। बेगूसराय जिला में टीका की महामारी है, इस पर तुरंत नियंत्रित इसको नियंत्रित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी, आपको भी हमारे हम लोग की तरफ से। और अक्षय जी ने लास्ट में कहा कि इस आपदा को मतलब सरकार की महंगाई बढ़ रही है, इसे मतलब स्वीकारना चाहिए क्योंकि आपदा है, तो जो भी महंगाई हो रही है हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। ये कोई जवाब नहीं हुआ इस पे, चलिए फिर हम जवाब किसी दिन लेंगे और फिर बहस कराएंगे, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं हुआ कि इनका कहना है कि नहीं सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, चाहे महंगाई का अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी। चलिए चलिए, इनका कहना है कि पटरी पर आएगी, और जो सर्कुलेशन ये कहते हैं जो इनके पार्टी की तरफ से हमेशा कहा जाता है सर्कुलेशन है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो ये हो, इनकी जो बहस थी तो अगले बार फिर इनको बुलाएंगे, फिर बहस होगी इस मुद्दे पर। तो इसी के साथ मैं कुमार सानू सोनी जी के साथ जो बहस था आज का मुद्दा था, और हमारे बीच ये तीन पार्टी से विधायक थे, तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक देख रहे हैं तो हम भी थोड़ा धन्यवाद, हमारी ओर से भी धन्यवाद। और क्या आप इनके बातों से सक्षम है कि नहीं, इसी के साथ मैं कुमार सानू और सोनी सिंह और जितने भी तमाम कैमरामैन हैं हमारे बीच उनसे गुजारिश करेंगे। और इसी के साथ मैं कुमार सानू लेता हूं आपसे विदा, नमस्कार।